हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको विराट क्लासेस चैनल का। और आज मैं आप लोग को फिर से संस्कृत व्याकरण में आज अनुवाद बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आपको संस्कृत में अनुवाद बनाने बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, यानी आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा यदि आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण में कुछ जानकारी दे चुके थे लकार के बारे में, और आज आप लोगों को इस वीडियो में ये अनुवाद बनाने के लिए बताने जा रहे हैं। आज आप बिल्कुल अनुवाद बनाने के लिए सीख जाएंगे। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए थे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ मीनिंग है, मीनिंग को याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, आज बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है कितना आसानी से आप अनुवाद बनाना सीखते हैं। देखिए, ये मीनिंग है। सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन जिससे एक संख्या का बोध हो, द्विवचन जिससे दो संख्या का बोध हो, बहुवचन दो से अधिक का बोध हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में कहा जाए वो प्रथम पुरुष। देखिए, मैंने यही याद करना आपको, स कोष्ठ में लिखा हुआ स, त कोष्ठ में ते, ते कोष्ठ में ता, यानी स त ते, स ते ता। यहाँ पे स का मतलब वह होता है पुल्लिंग के लिए, लड़का के लिए, स माने वह होगा लड़की के लिए, त माने द्विवचन है मतलब दुगो होना चाहिए, इसलिए तो माने वे दोनों, ते माने भी वे दोनों, ये पुल्लिंग के लिए लड़का के लिए और ते माने वे दोनों लड़की के लिए। ते माने वे लोग होगा चूंकि बहुवचन है तो दो से अधिक मतलब वे वचन बहुवचन वे लोग को, ता माने भी वे लोग होगा लेकिन ता माने वे लोग लड़की के लिए और ते माने वे लोग लड़का के लिए। आगे है मध्यम पुरुष में, चूंकि सुनने वाला जब भी कोई सुनता है तो तुम के रूप में होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, यानी सुनने वाला कौन है, आप, बोलने वाला मैं, तो बोलने वाला मैं के रूप में रहेगा, यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब हो जाएगा उत्तम पुरुष, आप दोनों और आप लोग हो जाएंगे मध्यम पुरुष। तो देखिए, आप मतलब आप अकेले हैं, इसमें एक वचन होगा, तो त्वम माने तुम या आप, एक वचन है क्योंकि आप अकेले, एवं माने तुम दोनों या आप दोनों, ये द्विवचन हो जाएगा, यव्यम माने आप लोग या आप सब, बहुवचन, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, बयान माने हम लोग। बस ये चीज याद रखिएगा, आपको नीचे लिख दिया गया है, देखिए मीनिंग लिख दिया गया, सर माने वाक्य पुल्लिंग के लिए, सा माने स्त्रीलिंग के लिए, ये मीनिंग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यानी ये जब याद रहेगा तो आपसे एक भी अनुवाद ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा, आप बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। बस यही इतना मीनिंग है विशेष करके अनुवाद बनाने के लिए, बस इतना आपको माइंड में रखना है कि उत्तम पुरुष में तीन मीनिंग है, अहम, अवाम, बयान, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम का मतलब मैं अगर बात किया जाए, जैसे हम बात करें कि मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तो मैं की बात कर रहा, तो ध्यान में रखिएगा माइंड में कि मैं कहाँ पे है, तो मैं हो जाता है मैं, चूंकि बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष में होगा, सबसे ऊपर में प्रथम पुरुष, बीच में मध्यम पुरुष और लास्ट यानी नीचे उत्तम पुरुष, तो मैं होगा उत्तम पुरुष। लेकिन ये माइंड में रखना कि मैं का मतलब अकेला है, एक वचन, तो मैं यहाँ पे होता है। कोई बोले वे लोग, तो वे लोग का मतलब बहुत सारा होगा, तो वे लोग जैसे ही बोले आपको समझ जाना कि वे लोग का मतलब बहुत सारा है, यानी बहुवचन होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, सोचना है वे लोग मतलब बहुवचन होगा, तो बहुवचन में तो कहाँ पे कौन पुरुष में, तो प्रथम पुरुष में, क्योंकि उत्तम पुरुष में हम लोग होगा, मध्यम पुरुष में तुम लोग होगा, तो बच्चे कौन सा प्रथम पुरुष में, वे लोग यहाँ पे। उसके बाद कुछ मीनिंग याद कर लेना है अनुवाद बनाने के लिए, जिसको धातु रूप बोलते हैं, धातु बोलते हैं, पाठ का मतलब पढ़ना, यदि पढ़ने की बात करें तो आपको संस्कृत में पढ़ना नहीं, अगर इंग्लिश होता तो रीड लिख देते, रीड मतलब पढ़ना, तो वही संस्कृत में पाठ माने पढ़ना, वध माने बोलना, खाद माने खाना, हस माने हंसना, लिख माने लिखना, पा या पी माने पीना, गच माने जाना होता है, धाप माने दौड़ना, अस्था या तिष्ठ माने ठहरना। तो आज इतना ही थोड़ा समय लेकर आपको चूंकि समझना है, समझने में उसके बाद किसी भी तरह का अनुवाद रहेगा आसानी से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लट लकार में चलते हैं, यानी वर्तमान काल में यदि वाक्य रहेगा बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे।
वर्तमान का, तो वर्तमान का मतलब लटलकार, जो समय अभी हो रहा है मतलब चल रहा है। जैसे इसमें आपको प्रत्यय लिखा गया है, प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो किसी धातु के अंत में जोड़ते हैं। जैसे सब धातु जो लिखा गया पठ हंस गज वद लिख धप खाप पीप तिष्ठ, ये सब धातु है तो इसके अंत में जुड़ेगा, और जुड़ करके बनाने वाले अंत किसी धातु के अंत में जुड़ने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, प्रत्यय बोलेंगे। तो ये अंत में जुड़ेगा। देखिए प्रथम पुरुष के एकवचन में ती ता अंति सीथा था आमी अव आम, यानी प्रथम पुरुष के एकवचन में ती है। यहां देखिएगा अनुवाद बनाना है, लेकिन अनुवाद बनाने से पहले थोड़ा से धातु को बैठाने के लिए सीख लेते हैं कि धातु का रूप कैसे बनाते हैं, क्योंकि धातु रूप बनाना जरूरी है। तो लट लकार में अगर बात करेंगे तो हमने पहले बताया कि धातु के अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय को। तो अगर आपसे बोला जाए कि लट लकार यानी पट धातु का रूप लिखिए, पठ धातु का यदि रूप लिखना रहे, पठ धातु का रूप लिखना रहे लट लकार में, तो जो धातु का रूप लिखना रहेगा बस वो धातु का नाम देखिए क्या घर है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ घर है, नौ घर में आपको जो धातु का रूप लिखेगा उस धातु का नाम लिख देना। अभी यहाँ पर हम कौन धातु का रूप लिखने जा रहे हैं, पठ का, तो नौ में हम पठ पठ लिख देंगे, इसमें पठ, इसमें भी पठ, इसमें भी पठ पठ पठ, सब में पठ लिख देंगे, टोटल नौ घर में और आपका बन गया धातु रूप। और अंत में जो जुड़ता है पढ़ते हैं तो पठ में ती जुटेगा, तो कौन सी बात जाएगा पठती, यानी यहाँ पर बन जाएगा पठती, पूरा बना देता हूँ पठता पठंती, लेकिन यहाँ पे आ को छिपा लेना चूंकि ठा ठा में खुद आ है, इसलिए आ यहाँ पे लिखना नहीं है, आ हट जाएगा, यानी बन जाएगा कुछ पठंती। यानी यहाँ पे जैसे आ था तो अगर आप पठंती लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं लिखा गया, पठंती ऐसे नहीं लिखा जाता है, यानी आप डायरेक्ट लिखेंगे पठंती, यानी इस तरह से रूप बन जाएगा। पठसी पठता पठता पठामी पठावा पठामा, यानी आ हर जगह बाकी रहेगा चूंकि आ छिपा हुआ रहेगा। अगर आपको गज का रूप लिखना रहेगा तो सब में गज गज लिखेंगे, पठ की जगह क्या लिख देंगे गज गज गज, यानी हो जाएगा गजती गजता गजंती। यानी मुझे उम्मीद है कि आपको ये धातु रूप बनाने आ गया होगा। यदि आप धातु रूप बना लेंगे तो इसके बाद आप अनुवाद देखते हैं कैसे बनाएंगे। जिस अनुवाद में रहेगा मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, या फिर किसी को कहें कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, जो भी हो दोनों एक ही रूप से बनेंगे। हिंदी में वाक्य अलग अलग है पर संस्कृत में एक ही रूप से बनेगा। जैसे मैं, तो आपको बताया कि मैंने क्या लिखना, तो मैं को संस्कृत में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अहम का मतलब मैं, अहम का मतलब मैं, अहम का मतलब मैं, तो मैं के लिए क्या लिख देंगे अहम लिख देंगे, तो अहम मतलब हो जाएगा मैं। उसके बाद पहले बताया कि पढ़ना कौन सी मन होता है, तो पठ देखिए लिखा गया पठ मने पढ़ना, तो यहाँ पे पठ लिख देंगे, पठ लिख दें, पठ मतलब पढ़ना होता है। अब इसमें चूंकि लट लकार का है तो देखिए लट लकार का प्रत्यय लगा देंगे धातु में और अनुवाद हमारा बन जाएगा। तो देखिए कि अहम मैं कहाँ पे होता है, प्रथम पुरुष में होगा, मध्यम पुरुष में होगा, उत्तम पुरुष में होगा, तो देख लेना, तो मैं होता है देखिए उत्तम पुरुष में, अहम कहाँ पे, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात, सातवां घर में, तो अहम के जमा पे है, जिस घर में है उसी घर पर उसका प्रत्यय जुटेगा, तो सातवां घर में, यानी कह सकते हैं कि सबसे नीचे वाला पुरुष में, यानी उत्तम पुरुष के पहला घर में, तो उत्तम पुरुष के पहला घर में जो प्रत्यय होगा वही जोड़ देंगे, तो उत्तम पुरुष के पहला वाला घर में कौन सा प्रत्यय, आमी, जहां पे अहम है वहां पे कौन सा प्रत्यय है आमी, पठ में क्या जोड़ देंगे आमी जोड़ देंगे, तो पठ में आमी पठामी, तो पठामी ये बन गया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। जैसे कोई बोले वे लोग हंस रहे हैं, देखिए वे लोग का हंस रहे हैं, यहां पे पता नहीं चल रहा है अगर आती लड़की तो वे लोग हंस रही है होता, लेकिन हंस रहे हैं चले लड़का के, तो ते मने वे लोग या वे सब, तो ते लिख देंगे। हंसना कुछ मन होता है, हंसना होता है, हंस मने हंसना, हंस धातु का तो नाम लिख दे बस, खाली प्रत्यय जोड़ना है, तो ते देखिए कहां पे होता है वह वे दोनों वे लोग, यानी प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, यानी पहला वाला घर के लास्ट में, तो देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में जो प्रत्यय हुआ जोड़ देंगे,
तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में पढ़ते हैं क्या अंति, देखिए यहाँ पे है कि यहाँ वाला जोड़ा गया अंति, तो हस में जोड़ा गया अंति, तो हसंति हसंति बिल्कुल लीजिए। यानी आपको ध्यान में रखना है जो पहला वाला घर होगा पहला वाला उसमें जोड़ेंगे, दूसरा वाला को दूसरा से तुलना, और लास्ट क्या है तीसरा वाला को तीसरा से तुलना। उसके बाद उत्तम मध्यम पुरुष के वचन में यानी चौथा वाला चौथा से, पांचवा को पांचवा से तुलना, छठा को छठा से तुलना, सातवा को सातवा से, आठवा को आठवा से, नौवा को नौवा से तुलना। यानी जहां पे सा या सा रहेगा तो उसके साथ ती जोड़ेंगे, तो या ते रहेगा तो ता जोड़ेंगे, तीसरा में ते या ता रहेगा तो अंति जोड़ेंगे, उसके बाद त्वम रहेगा तो सी जोड़ेंगे, युवाम रहेगा तो था जोड़ेंगे, यज्ञम रहेगा तो था जोड़ेंगे, अहम रहेगा तो आमी जोड़ेंगे, अवाम रहेगा तो आवा जोड़ेंगे, बयम रहेगा तो आमा जोड़ेंगे। यानी जोड़ने का तरीका यही है, पहला को तुलना पहला से, दूसरा को तुलना दूसरा से, तीसरा को तुलना तीसरा से, समझ गए। यानी इस तरह से जोड़ना है, जैसे रहेगा आप लोग दौड़ते हैं, देखिए इसका कोई नियम नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग हैं पहले तो हम आप लोगों का पहले, यानी कि यम देखिए आप धाप से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, संस्कृत का कोई नियम नहीं, लेकिन चलिए सहूलियत के लिए आप लोग हैं पहले तो आप लोग का मीनिंग लिख देते हैं। तो आप लोग का मीनिंग क्या होता है संस्कृत में, तो देखिए आप लोग का होता आप लोग या तुम लोग, युयम युयम देखिए यहाँ पे युयम तो लिख देंगे युयम, युयम मैंने मीनिंग याद रहेगा आपको लिख देना, युयम मैंने आप लोग या तुम लोग, तो आप लोग का युयम लिख दें। तो युयम है कहाँ पे, ये हरण है, युयम कहाँ पे है तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में, फिर ऐसे जोड़ सकते हैं स तो ते, उसके बाद तुवम युवम युयम, यानी छठा नंबर पे तो जोड़िए, छठा नंबर पे जो पद आएगा वही जोड़ेंगे, ती त अंति सी थ था, यानी छठा पे था आया, देखिए ऐसे भी युयम यहाँ पे तो था, यहाँ पे युयम की जगह पे क्या होना चाहिए था, तो इसमें सिर्फ जोड़ देंगे था, किसमें धातु में, तो दौड़ना कुछ में ना होता भाव में, तो धाप के साथ क्या जोड़ेंगे था, बस अनुवाद बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अनुवाद तभी बनाने आएगा जब आप मीनिंग याद रखेंगे, मीनिंग जरूर याद रखना है, और विशेष अगले वीडियो में चूंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए ज्यादा विशेष नहीं बता पाते हैं, तो फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो भी आप कॉमेंट करके बताइएगा ताकि हम और आगे वीडियो बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को विराट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।